thank you हेलो गाइस वेलकम बैक टू चैनल के गाइस आप लोग आई होप सब चलो एज वन प्लस ने अपना लॉन्च किया है न्यू टी डब्लू एस ईयर्ड्स ब्लूटूथ हो सकते उसको इसका ना वन प्लस बर्ड्स थ्री ओके तो उसमें दो कलर्स आएंगे आप मेटेिक ग्रे आएगा मेरा रिव्यू आएगा आई थिंक की मैं रिव्यू कर पाऊंगा मैं अफोर्ड नहीं कर सकता अगर आप लोग कोई सपोर्ट करना चाहता है अगर फिर भी मैं ऐसा बोल रख रहा हूँ इसका जो रेट है उसके इतना अगर मिल जाए डोनेशन तो मैं बिल्कुल रिव्यू कर सकता हूँ अगर नहीं मिले तो ठीक है फिर भी मैं अपने तरीके से कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे कंपनी कैसे आपको रिझाती है रिझाना जो बोलते हैं तो कैसे बेगू कैसे मैनिकुलेट करते कैसे खेलती है कस्टमर से ओके और मैं कुछ आपको वीडियो शुरू करने से पहले कुछ बताना चाहूंगा देखिए बहुत सारे मेरे पास ऐसे कमेंट्स आते हैं कि मेरे को हाई क्वालिटी ऑडियो चाहिए मेरे को एक्सेप्शनल क्वालिटी चाहिए एकदम अच्छा क्वालिटी चाहिए ये सब चीज़ चाहिए मतलब जैसे ये 5000 वाले रेंज हो गए मेरे पास कोई भी फोन हो मेरे को उसमें अच्छा क्वालिटी चाहिए सबसे पहले मैं क्लियर कर दू की अगर आपको एक अच्छा क्वालिटी चाहिए एक अच्छा क्वालिटी साउंड चाहिए पहली बात तो आपका फोन उस टाइप का होना चाहिए आप जितने भी टेक यूट्यूबर्स को देखते इवन मुझे देखते किसी को भी देखते वो भी कोई छोटे मोटे फोन में यूज नहीं करते किसी किसी को मैं पूछता हूँ तो बोलते कि मेरे पास रियलम टू प्रो है रियलमी ट प्रो आया तो उसका प्रोसेसर सिक्स सिक्सटी का कब आया था दो सत्रह में सात साल पुराने प्रोसेसर पुराने पुराने फोन पोको एम टू एम वन में बहुत सारे कमेंट्स सारी कमेंट सा स्क्रीन पे दिखाते जाऊंगा मेरे को ये चाहिए ही चाहिए लेकिन आप लोग में से कोई समझना नहीं चाहता है कि एक अच्छा साउंड क्वालिटी के लिए एक अच्छा प्रोसेसर होना चाहिए और उसके आप साथ आपके एक अच्छा ऐप होना चाहिए पेड ऐप होना चाहिए फ्री में जो मिलता है वो फ्री वाला ही रहेगा लेकिन पेड वाले वो पेड वाले ही रहेंगे चाहे कुछ भी कर लो ओके अभी रिसेंटली अभी एक जन ने उनका कमेंट्स दिखा दे दिया हम ठीक है वो बोल रहे हैं कि मैं व्हाट्सएप का जो टिक आता है तो मैं ईयरफोन लगा के रखता हूँ तो टिक चार से पांच सेकंड बाद आ रहा है तो लगेनेस समझिए मैं उनसे पूछा आपका फोन कौन सा है तो बोलते हैं रियलमी

2016 का ये फोन है तब का फोन है इसमें भी मैंने टेस्ट किया वो लिए बोलिए रियलमी बट्स वायरलेस थ्री बैंक जो कि बहुत ज्यादा प्रोडक्ट है मैंने भी इसमें टेस्ट किया भले इसमें ऐप सपोर्ट नहीं चलता लेकिन उसमें चल रहा होगा लेकिन ये उससे ही पुराना इसमें भी साउंड बढ़िया आ रहा था एक बैलेंस साउंड आ रहा था बेस जितना चाहिए उतना आ रहा था ट्रेबल जितना चाहिए उतना आ रहा था मिट्ट भी अच्छे थे भले कस्टमाइजेशन नहीं हो रहा था लेकिन आप ये बोलोगे मेरे को एकदम ही अच्छी क्वालिटी चाहिए यार मैं इसमें टेस्ट किया यार एपल के सब में टेस्ट करके बैठा हूँ मैं जिसको भी रिकमेंड करता हूँ सब कुछ टेस्ट करके मैं रिकमेंड करता हमें में बात नहीं करता और नहीं मैं किसी चीज को एकदम बहुत बढ़ा चढ़ा के बताना जो चीजें हैं जो चीजें अच्छी

देता हूं। कितनों के तो मैं कमेंट्स देखता हूँ रिप्लाई भी नहीं करते हैं आपको ये चीज समझना पड़ेगा A -C A -N -C, कुछ पॉइंट के साउंड के लिए बाजू में बैठ के इंसान अगर बैठे जा रही है वही वी वीडियो इसलिए मैं, मैं ये वीडियो बोल दे रहा हूँ एनसी आप ये मत सोचिएगा की आपके बाजू में बैठ के कुछ भी कैंसल आउट हो जाएगा एनसी सॉन्ग्स पॉडकास्ट मूवीज वो जब देखते हैं उसके बीच में बाहर के ना उसके लिए एनसी है सोलो यूज करने के लिए नहीं है नहीं वो सोलो आप लगा के पढ़ाई कर लो बाजू में गेस्ट आए ये सब मतलब घर में गेस्ट आए हैं उन लोग आवाज आया वो सब कैंसिल आउट हो जाएगा ऐसा कुछ नहीं होता कोई भी टी ह्यूमन वॉइस और हाई वॉल्यूम जो रहते हैं उसको कैंसिल आउट भी नहीं कर सकता आपको अगर चाहिए तो आप एक ऐसा ढूंढिए का नॉइस हो ओके और उसमें भी ब्रांड या तो फिर वर्ड्स तक का साउंड को कैंसिल आउट करने तक का इतना कम होना चाहिए वो टी डब्ल्यूस को ढूंढे तभी हो पाएगा एकदम कैंसिल नहीं तो कोई भी डीडब्लू एनसी काम वैसा नहीं काम करता जैसा आप लोग के दिमाग में इतने दिनों से बैठा है ओके सोलो यूज के लिए नहीं है पहले जो मैं अभी समझा रहा था आपको कि एक अच्छा साउंड क्वालिटी का आपको अच्छा

स्टार्टिंग ऑफ विद यहाँ पे आप देख लीजिएगा चार्ट में डाल के रखा क्योंकि अच्छी एक बात है इसका आपको बैटरी बैकअप काफी अच्छा मिलने वाले है। केस इसकी बैटरी फाइव ट्वेंटी की बैटरी फिफ्टी एट एच मिलने वाली है क्योंकि दोनों एक अच्छा है कम से कम इन लोग ने मैं किया है मेरे को लगता है कि जो आपका एल जो चलता है दो ढाई घंटे ही चल पाता है ये थोड़ा अपना तीन से चार घंटे की तरफ इतना तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ क्योंकि फिफ्टी एट का बैटरी है और केस भी अच्छा खासा चार्ज कर दे आई होप तीन टाइम कर दे मेरे को ऐसा लगता है इतना अगर दे रहा है तो बैटरी बैकअप यहाँ पे ड्राइवर साइज की बात करें तो रियलमी रियलमी बट से फाइव प्रो से पॉइंट सिक्स का छोटा है बेस ड्राइवर है ना यहाँ पे देखने लगे बाकी वो सिक्स एम एम का ही आपको पता एल एच डी कोड एक मिलता है ट्रिपल माइकल उसमें भी, भी है गूगल मतलब का मिलता है को देखना पड़ेगा फिर भी आई इतना होना चाहिए और ए आपका सपोर्ट है डॉलब मॉस का सपोर्ट आपको मिलता है लेकिन आपको पता है रियलमी ओपो वन प्ल में ही मिलेगा आपको डॉलबेट मॉस का सपोर्ट और डॉलब मॉस का सपोर्ट मिल जाता है से तो और है, आपको जैसे पता है इसमें डॉलबेट मॉस का सपोर्ट चाहिए तो आपके पास रियलमी ओपो वन प्लस का फोन होना चाहिए और उस फोन में डॉलबेट मॉस होना चाहिए तभी मिलेगा अदरवाइज नहीं मिलने वाला जैसे आप बोलोगे कि दस हजार के फोन में मेरे को मेरा तो रियलमी का फोन है तो मेरे को डॉल बेट मॉस की नहीं मिल रहा आपको नहीं मिलेगा जब तक आपके फोन में नहीं होगा ओके बाकी आपका स्पेशल ऑडियो इसमें रहेगा मेरे को लगता है कि जो वन प्लस ऑडियो आईडी है टू पॉइंट जीरो इन्होंने उसको स्पेशल ऑडियो नया नाम देने का कोशिश किया है मुझे ऐसा लगता है आईपी की रेटिंग मिल जाती आपको ऐसे पता है कि वो रेजिस्टेंस रे, जो है वाटर स्वेट की वॉरिस्टेंसी रहते उससे ज्यादा कुछ होगा नहीं है ना यहाँ पे जो मेन गेम जो मैं आपको बोल रहा था कि यहाँ पे आप कैसे खेलती है कंपनी वो आपको यहाँ पे दिखा देता दे आप देख लीजिए बैटरी बैकअप जो आपको दिखा रहा हूँ मैं टेन आवर्स ईयरबड्स की बैटरी और केस प्लस ईयरबड्स की बैटरी फोर्टी फोर आवर्स जो आपको दिखा रहा है ये आपको ए ऑफ में दिखा रहा है फिफ्टी परसेंट वॉल्यूम में दिखा रहा है और आपका ए कोडेक होना चाहिए एल एड कोडेक नहीं है यहाँ पे जो हाई सैम्पलिंग रेट है उसमें जो आपको बैटरी बैकअप नहीं मिलेगा दस घंटे और केस फोर्टी फोर घंटे वो नहीं मिलने वाला क्योंकि देखिए जो उसमें जो चलता है क्योंकि देखिए आपका जो एलडेक डेक है ऑडियो सैम्पलिंग रेट जो बोलते हैं अपन वो नाइनटी सिक्स तक जाता है और एल जो है वो वन नाइन तक जाता है और बाकी जो उसका ऑडियो बिट्स रहता है

टॉप टाइम में भी इनका एम ऑफ रहना चाहिए फिफ्टी परसेंट वॉल्यूम होना चाहिए और ए सी को होना चाहिए तब आपको चार घंटे मिलने वाला है कॉलिंग का भी यहाँ पे रूल है अगर आप एल लगा दोगे चार घंटे का दो से डेढ़ घंटा ही मान लो आप कॉलिंग का ओके okay गाइस और हाँ यहाँ पे चार्जिंग टाइम भी मैंने लिखा हुआ है और ईयर बर्ड्स की चार्जिंग जो कम से कम दो घंटा तो लेगा ही लेगा क्योंकि ये जो वन सी एम एफ बड्स है उसको भी फिफ्टी फाइव एम है तो उसको भी लगभग लग लग दो घंटे लगते तो ये तो तीन एम एच और जाता तो दो घंटे ईजी मान लो मेरा एक्जमशन है जैसे कि मैंने लिखा एजूम ओके और ईयर बड्स और भी चार्ज होने तीन घंटा शायद लगना चाहिए तीन नहीं तो ढाई घंटा तो लगना ही चाहिए मुझे मेरे हिसाब से इतना बड़ा वाई का अगर बैटरी है तो है ना बाकी फास्ट चार्जिंग आप देख ही ओके गाइस और टच कंट्रोल्स भी यहाँ पे देख लीजिएगा इस आपको डबल टैप ट्रिपल टैप टच एंड होल्ड और लॉन्ग टच एंड होल्ड भी मिलता है और प्लस इसमें अच्छी बात है कि आप स्लाइड करेंगे फिंगर अप करेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज होगा और फिंगर डाउन करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा क्योंकि एक अच्छा फीचर दिया गया है इसमें तो गाइस मैं अभी आप लोग को ऐप सपोर्ट दिखा देता हूँ वन प्लस बट्स थ्री का वो थोड़ा सिमिलर रहेगा ओप्पो इनको एयर थ्री प्रो से सबसे पहले तो ये जो आप एक रियलमी का फोन है और एक शॉमी है नॉन रियलमी है दोनों का क्या मिल जाएगा वो पहले दिखा देता हूँ सबसे पहले तो ये जो ओपन करेंगे अपन एग्जाम्पल के लिए मैं दिखा रहा हूँ अभी ये जो आपको पॉपअप इसमें आता है जैसे ओप्प इन को एयर टू प्रो में आता है और वन प्लस नोट बट्स टू में आता है ये जो ऐसा पॉपअप अभी को दिखा ये आपको नहीं मिलने वाला है अभी मेरे को तो यही लग रहा है क्योंकि गूगल फास्ट पेर एक पो को एयर थ्री प्रो में है और ये ऐसा ओपन करने पे कोई भी पॉपअप नहीं आता है ओके अभी वापस ये देखिए ये बंद हो गया अभी अभी फिर से मैं खोलता हूँ इसको ये देखिए यहाँ पे तो गूगल का फर्स्ट पेयरिंग आ गया यहाँ पे यहाँ पे दिखा दे रहे लेकिन इसमें नहीं दिखाया ओके okay, चलिए ये तो हो गया आपको समझ में आगे पॉपअप शायद ही मिले मिले तो अच्छी बात है नहीं मिले तो भी ऐसा बता दे रहा हूँ अगर आपके पास रियलम का फोन है तो आप यहीं से आई बटन से जा सकते हैं बट फंक्शन आप यहीं से जा सकते हैं और ये जो अगर आपके पास नॉन रियमी वन प्लस का फोन है तो आपको तो इंस्टॉल करना पड़ेगा दोनों तो में देख लीजिए क्या क्या चीजें मिलती है सेम ऐसे ही मिलने वाला है आपको और इस वन प्लस बर्ड में आपको ऐसा साउंड मास्टर इकलाइजर के अंदर ये चार इकोलाइजर तो मिलेगा प्लस ये बेस वे भी मिलने वाला है आपको और ये कस्टम इकोलाइजर भी मिलेगा मेरा ये पर्सनल रहता है इसको देख लीजिए काफी अच्छा आपको साउंड करने वाला है अगर आप ऐसा सेट करेंगे इकोलाइर ओके मतलब इकोलाइजर के अंदर आपको चार ये बेस वेव और एक कस्टम इक्वलाइजर इतनी चीज आपको मिलेगी ओप्पो जैसे सिर्फ तीन इक्वलाइजर के साथ नहीं मिलेगा जो मैंने पहले अभी दिखाया था ओके okay. हाई क्वालिटी ऑडियो रहेगा गोल्डन ऑडियो भी गोल्डन साउंड साउंड रहेगा अलाउ की जगह आपको लिखा रहेगा साउंड मतलब ये स्पेशल ऑडियो ही है यही चीज है इसमें कोई भी हेड ट्रैकिंग नहीं होगा जैसे कि एपल के एयरपोर्ट्स में होता है जो बीस तीस हजार के आते हैं वैसे नहींयरबर्ड कंट्रोल यहाँ पे मिल जाता है लेकिन अपन को ईयरबड्स कंट्रोल यहाँ पे मिलता है नॉन ओपो वन प्लस में ऐसा मिलेगा और दोनों में एक चीज आप देख सकते हैं जैसे कि यहाँ पे गेम मोड दिख रहा है नॉन ओपो और वन प्लस रियलमी के फोन में यहाँ पे आपको गेम मोड नहीं दिख रहा है क्योंकि ना अगर आपके

एकदम हैवी बेस, बेस वो मत समझेगा क्यों क्योंकि मैडोशन के कोर्स रखा है अगर आप लोग की सहायता से अगर हो गया तो ठीक है नहीं तो फिर चलते रहेगा जैसे चलता है और सुपरथैक्स भी एक्टिव है और वीडियो पता है तो लाइक करेगा चैनल जरूर करिएगा मेरे अगर आपको